वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, अलहमदुल्ला। आप भी खैर से होंगे? हेरा लीना बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम बोलो पहले। तो मैं और अलीना स्कूल जा रहे हैं, है ना अलीना? कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल को क्या पढ़ोगे स्कूल में? स्कूल में ABCD। ABCD डेली ABCD ही पढ़ने का अलीना। बारिश आ रहा है, मैं आज अम्ब्रेला लाई नहीं, छाता लाई नहीं। आजकल छाते अच्छे नहीं आते हैं ना। ये हमारा आ रही ना, जाओ आगे जाओ आगे आगे जाओ जाओ आगे, मैं वीडियो नहीं पकड़ रहा का। आगे जाओ, तो स्कूल जाके उधर बर्थडे था, एक लड़के का बर्थडे था आज। उधर चॉकलेट दे रहे थे स्कूल में, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप एक निकाली। तभी बच्चे हाई कर रहे थे, बच्चे में बहुत लोग नहीं, एक दो, तो बच्चे भी बहुत कम थे आज। तो स्कूल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज स्कूल से थोड़ा लेट हुआ मुझे बाहर आने के लिए, थोड़ा काम था उधर, मतलब टीचर थोड़ा वर्क कर रहे थे ऑनलाइन, तो मेरे पास हेल्प पूछ रही थी, तो हेल्प कर रही थी मैं उनको। अच्छा है ना, हेल्प करना भी अच्छी बात है ना। तो आज फूड मिला है, इनूस का फूड, ये लेके मैं जा रही हूँ। बहुत हैवी है थोड़ा। तो और कुछ बोल, आपके पास बात शेयर करने को थी कि सब लोग कहते हैं लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगे, है ना, लेकिन उनको उनको वाइफ डिलीवरी के टाइम लड़की ही चाहिए, डॉक्टर। तो उनको वो कहना चाहती हूँ, आप डॉक्टर लेडी डॉक्टर को मत ढूंढे ना, पढ़ लिख कर क्या करना है, तो है ना, ऐसी बात कही नहीं, बहुत आसान है लेकिन उसको चलना बहुत मुश्किल है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करी, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग पढ़ाई के खिलाफ रहते हैं आजकल, आजकल के ज़माने में भी। तो उनसे कहना चाहती हूँ, थोड़ा सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि पढ़ लिख कर आपको डॉक्टर लेडीज़ ही चाहिए, तो पढ़ लिख कर क्या करेंगे, पढ़ लिख कर यही तो सब करेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो यही बात आपको कहना था, आपकी सोच बदले, अच्छा होगा। तो इधर देखो, दूध बना के रखी हूँ अब्बा को, अम्मी को, अब्बा ने भी है, अम्मी ने भी। इधर दाल बना के, इधर सालन, और कुकर में खाना, और इधर थोड़ा दूध है, और प्राइमर देखिए आज का, वो ब्लैंकेट दिख रहा है आपको, येलो येलो हार्ट वाला, वो आर्यन का फेवरेट ब्लैंकेट है, उसके मामा ने उसको भेजा था, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती बचपन से लेके अब तक, वो बहुत बोले तो बहुत फेवरेट हो गए। उसके लिए दोनों लड़ाई करते रहते हैं, आलिया नालीना। तो फिर आज कुछ मसाला नहीं, सालन सब है, अंडा लगे कुछ बनाना है, एक फूड जो इनूस को मिला है उसके साथ ब्लैक गुड़ जैगरी बोलते हैं ना, वो भी मिला है, और दूध मिल्क पाउडर। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके उधर बलवड़ी में क्या सब बच्चों को फूड मिलता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, तो आप भी बच्चों को पढ़ाया करें, स्पेशली लड़कियों को, लड़कियों को ज़रूर पढ़ाया करें, क्योंकि वो खुद कमा सके, कमा कर अपने छत और दो टाइम की रोटी खा सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना बने, इंडिपेंडेंट होकर रहे। तो प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ाए, शादी तो सिंपल भी कर सकते लेकिन एजुकेशन इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ये बात मुझे और भी क्लियर कट बोलने को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बोलूँगी। तो ओके, देखेंगे अब नेक्स्ट क्या करना है, पता नहीं मुझे, अभी देखेंगे। ये नुस्खा दी घर में है, ओके जुड़े रहिए व्लॉग में। अलीना को बुलाने के लिए स्कूल जा रही थी, रील्स बना रही थी मैं, अभी टाइम का पता ही नहीं चला, अभी 2 o'clock के अंदर ला सकते हैं, अभी 1:30 हुआ है। मैं अलीना को लाने के लिए जा रही हूँ, देखो अभी एक डॉग, ये डॉग इधर ही रहना है, नहीं तो दूसरे
ये तुमको चैन नहीं नहीं तो वो कल लाल कोता बोले अली लजीम मुझे डॉग बोले तो पहले से भी ज़रा डर बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं अभी बुला के लेके आके नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे को आके खाना खाना। तो फिर एक बात है आपके पास, तभी बोली हूँ मैं और अभी ये बोलती हूँ कि लाइफ में बहुत लोग आते हैं, है ना, आते हैं जाते हैं, आप उनको ही लेके मत बैठे कि उनके लिए ही ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप ज़िंदगी में कुछ करिए, है ना, पैसा और रोटी आपको सबक सिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए, तो आप उस पर फोकस करें, कुछ करिए, कुछ कुछ भी। पैसा पैसा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल की दुनिया में, क्योंकि ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, पैसा नहीं तो कुछ अपने भी पराए बनते हैं। तो पैसे पहला पैसा इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में दुनिया आपको कौन बोल के पहचानती है ना। रोटी और पैसा आपको सिखाया होगा, है ना, भूख क्या बोल के। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते रहे होंगे फिर भी हार जीत तो अक्सर होती है, लेकिन आप फिर भी मेहनत करें, है ना। इंसानों से ना मांगे, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, इंसानों से ना मांगे, मांगना है अल्लाह से मांगे। क्यों पता है ना आपको क्यों? क्योंकि देने वाला वही है, और इंसान तो क्या है, उसके पास मांगेंगे तो दो बातें सुनाएगा और आपके पास है वो भी छीन लेगा। तो आप कुछ भी मांगें अल्लाह पर मांगिए, क्या पता अल्लाह को आपकी दुआ मांगने का तरीका पसंद आया हो और वो आपको देख रहा हो और भी मांगे फिर दूंगा, है ना। मैं हर वीडियो में आपको सना खान एक्ट्रेस उनका मैं बोलते रहती हूँ कि वो बोल रहे थे कि 10 साल हुए उनकी दुआ कबूल होने में, क्या पता अल्लाह सब्र देख रहा है आपका, सब्र देख के क्या बोल के देगा इंशाल्लाह, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें रहते हैं कि अल्लाह भी चाहता है कि बंदे मेरे पास मांगे, मैं उसको दूंगा। तो आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करें इंशाल्लाह, जो भी मैं सोचूं समझूं कि मुझे चाहिए वो मिले, इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं बातें करते 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 इधर तक आ गई, स्कूल तक आ गई। तो यही बात कहना था आपसे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और बैड कमेंट करने वालों को कर दें। अलीना आई फाइनली, है ना अलीना, अम्मा उठा लेना, बारिश वाले को ना जा, मैं क्यों उठा लूँ, तेरा उधर उठा लीजा, उधर आगे जा कोता हूँ आना जी का। तो अच्छा दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना और अपने स्पेशली अपने अब्बू अम्मी का ख्याल रखना, उनको अच्छे से देखना। और आजकल बहुत बहुत केसेस आते हैं ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग बच्चों को अच्छे से नहीं देखते, कुछ लोग अपने माँ बाप को अच्छे से नहीं देखते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट अच्छे से देखो, क्योंकि यही ज़िंदगी नहीं, यही लाइफ नहीं, आगे जाकर और एक ज़िंदगी है ना जो मरने के बाद स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ अपने अब्बू अम्मी का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। आपको कैसे समझाऊं, जिसने माँ बाप नहीं है उनसे पूछें, हाँ, तो रिस्पेक्ट करें, अल्लाह को जवाब देना है ना कल। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो अपने अब्बू अम्मी को ठीक से देखते नहीं। अरे अस्सलाम वालेकुम, अच्छा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।